नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आगे का फूल किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। आगे का फूल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये यहाँ से ये तीन उठानी है और ये तीन दबा के ये तीन उठानी है, फिर ये दो दबा कर ये चार उठाकर आगे ये तीन दबाकर तीन उठानी है, फिर ये तीन दबाकर तीन उठाकर यहाँ पे ये पांच रस्सी दबानी है और ये पांच रस्सी उठाकर ये पांच रस्सी दबानी है, उसके बाद में ये तीन उठाकर ये तीन रस्सी दबानी है, फिर ये तीन रस्सी दबाकर ये चार रस्सी उठानी है, यहाँ पे ये दो रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठाकर ये तीन रस्सी दबानी है, फिर ये आगे तीन रस्सी उठाकर ये रस्सी दबानी है। इस प्रकार से ये डिजाइन आपको चलानी है। ये चलाने के बाद आपको ये चलानी है इस प्रकार से। इसे पास चिपका कर आपको आगे का प्रोसेस बनाना है। ये इस प्रकार से इसको पास चिपका देनी है। ये पास चिपकाने के बाद में आपको यहाँ पे ये एक रस्सी कम करके आगे तीन उठानी है, फिर ये तीन दबाकर ये तीन उठाकर ये तीन दबानी है, उसके बाद में ये चार रस्सी उठाकर ये तीन रस्सी दबाकर तीन उठानी है, फिर ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे ये तीन रस्सी दबाकर ये एक रस्सी उठानी है, आगे तीन रस्सी दबाकर तीन उठानी है, फिर ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है, उसके बाद में आपको ये एक रस्सी उठाकर ये तीन रस्सी दबानी है, आगे ये तीन रस्सी उठानी है, फिर ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे ये दो रस्सी दबाकर ये चार रस्सी उठानी है, फिर ये यहाँ पे ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठा लेनी है। इसके आगे आपको ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर ये रस्सी दबाकर यहाँ पे आपको घुंडी लगा लेनी है। इस प्रकार से ये घुंडी लगा लेनी है। ये आप आराम से चारपाई सीख सकते हो। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बोले। तो आगे का प्रोसेस देखिए आप और अपने दोस्तों को बोले कि शेयर करें और दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब भी करें। तो आगे के प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे ये दो रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर ये तीन रस्सी दबाकर चार रस्सी उठानी है, चार रस्सी के बाद यहाँ पे दो रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठानी है, उसके बाद में हमें ये तीन रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठानी है, फिर ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठाकर यहाँ पे एक रस्सी दबानी है और आगे यहाँ पे तीन रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे ये तीन रस्सी उठाकर ये एक रस्सी दबानी है, फिर ये तीन रस्सी उठाकर तीन रस्सी दबानी है, उसके बाद में ये तीन रस्सी उठाकर ये तीन रस्सी दबानी है। इसी प्रकार से ये आगे हमें ये रस्सी चलानी है। तो आप इस प्रकार से ये रस्सी चलाते रहे। इस प्रकार से ये चारपाई बनना बहुत ही अच्छा है, आसान है। ये चारपाई की न्यू डिजाइन है, आप देखिए। यहाँ पे ये गुंडी लगाकर इस प्रकार से आगे खींच लीजिए और इस प्रकार से यहाँ पे भी ये गुंडी लगा दीजिए।
इस प्रकार से ये लगाकर ये वापस खींच लीजिए और इस प्रकार से ये पास में चिपका दीजिए। फिर हमें ये आगे इस प्रकार से ही चलानी है, यहाँ पे ये तीन ऊपर चार नीचे, चार ऊपर, यहाँ पे एक नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, फिर ये तीन ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे पांच नीचे पांच ऊपर, फिर ये तीन नीचे तीन ऊपर और ये तीन नीचे। इस प्रकार से इस साइड भी इसी प्रकार से चलानी है। तो आप देखिए ये सेंटर से लेफ्ट साइड जिस प्रकार चलाई उसी प्रकार से हमें राइट साइड चलानी है। तो आप देख लीजिए दोनों तरफ एक ही प्रकार से चलाई जा रही है और यहाँ पे ये तीन ऊपर लेके एक रस्सी दबानी है, ये एक रस्सी दबाकर चार उठाकर यहाँ पे चार रस्सी दबानी है, फिर ये तीन रस्सी उठाकर यहाँ पे ये गुंडी लगा लेनी है। गुंडी हमेशा इसके बीच दोनों रस्सियों के बीच में से लगाए, इस प्रकार से लगाई जाती है। और ये डबल गुंडी की ये जो लेयर पड़ रही है, ये जो सांकली की तरह दिखाई दे रही है, चैन दिखाई दे रही है, चैन इस प्रकार से बना सकते हो। ये बना लिए और आगे इस प्रकार से यहाँ पे भी ये चैन इस प्रकार से बना सकते हो, डबल गुंडी की ये चैन है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे भी बना सकते हो। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चार पाई बनाना सीख सके। यहाँ पे ये तीन उठा लेनी है, फिर ये एक दबाकर चार उठा लेनी है, फिर ये चार दबाकर तीन उठानी है और तीन दबाकर तीन उठा लेनी है, फिर यहाँ पे तीन दबाकर एक उठानी है, उसी प्रकार से ये तीन दबाकर तीन उठानी है, फिर ये तीन दबाकर तीन उठाकर यहाँ पे पांच दबानी है, ये पांच दबाकर आगे इस प्रकार से ये चलाना है, फिर यहाँ पे ये तीन दबाकर तीन उठाकर तीन दबाकर एक उठानी है और इस प्रकार से ये तीन दबानी और ये तीन उठाकर चार दबानी, चार दबाने के बाद में हमें एक दबाकर ये तीन उठा लेनी है और इस प्रकार से ये डिजाइन बदला लेनी है। तो आप आसानी से इस प्रकार से ये बना सकते हो और अपने दोस्तों को बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस प्रकार से ये लगा सकते हो आप, यहाँ से भी ये आसानी से आप यहाँ पे बना सकते हो, इस प्रकार से ये डिजाइन लगा सकते हो। और इस प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अब आप आगे का प्रोसेस देखिए, आगे का ये प्रोसेस है कि इसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ पे चार दबानी है, चार दबाकर ये चार उठानी है, फिर ये एक रस्सी दबाकर तीन रस्सी उठा लेनी है, ये तीन रस्सी उठाने के बाद में हमें तीन दबाकर तीन उठानी है, फिर से यहाँ पे तीन दबाकर ये तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर ये एक रस्सी दबाकर ये तीन रस्सी उठा लेनी है, उसके बाद में ये तीन रस्सी दबाकर ये तीन उठा लेनी है और ये तीन रस्सी दबाकर यहाँ पे पांच रस्सी उठा लेनी है, एक दो तीन चार और पांच। हमने ये जो पांच रस्सी उठाई है यहाँ पे एक बड़ा फूल बनेगा आगे की रस्सी से, वो फूल स्टार्ट हो जाएगा जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा अगला वीडियो देखिए, उसमें ये फूल बनाने के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से ये उठा लेनी है और यहाँ पे ये तीन दबाकर तीन उठाकर, ये एक दबाकर तीन उठाकर तीन दबा लेनी है, उसके बाद में यहाँ पे ये तीन उठाकर तीन दबानी है, फिर ये तीन उठाकर एक रस्सी दबाकर चार उठाकर यहाँ पे चार रस्सी दबा लेनी है, फिर यहाँ पे ये गुंडी लगाकर आगे का प्रोसेस अगले वीडियो में किया जाएगा। तो आप मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें, मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि आगे का प्रोसेस मैं उसमें बताऊंगा।
अब जो आगे का प्रोसेस वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पास में चिपका लिए। अब आप देखिए दोस्तों, आगे जो यहाँ पे जो रस्सी चलाई जाएगी, यहाँ पे एक फूल बनेगा, जो पहले जो बनाया था उसी प्रकार का यहाँ पे एक फूल बनेगा। अगली रस्सी से जो स्टार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।